मेरे सर का ज्यादा स्कैल्प आएगा। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि आप इतने शोर में रात सो कैसे दिन, कि मुझे ये मम्मी नहीं मैंने लगा अपनी कि रूटीन चेंज की हुई है। मैं 9 बजे राइट टाइम बेड पर हूँ। इतना रोना डाला हुआ था सुबह फजर सारे। टाइम उठ के मैंने यही काम करना होता, सफाइयाँ, कुकिंग, शूटिंग, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी है। ये क्लास में हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, फिर मैंने असाइनमेंट चेक करनी है, फिर मैंने सो जाना। बच्चे कितने बजे आते हैं? बच्चे आ जाते हैं मेरे 12 या 1 बजे तक आ जाते हैं। ज्यादा हुए हैं आजकल तो स्कूल लग गए हैं फिर। नहीं ज़्यादा ही है, लेकिन 2 दिन से कम इसलिए हुए हैं मुहर्रम की वजह से। हाँ आज भी नहीं शायद वो काम आए हैं। बड़े बच्चे जो हैं वो तो छुट्टियां हैं कि और हैं। उन्होंने भी ज्वाइनिंग देनी है मम्मी उनको इंटर की क्लासेस की। ना माई कह रही थी इंग्लिश और उर्दू वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको कवर कर देना। मैंने कहा अच्छा था। और ये रूटीन मेरी बड़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि मैंने कॉलेज भी अंदर अंदर से जब जाना होता है ना हाँ। तो ये सारे काम करके फाड़ी हो जाती हूँ। मम्मी को ब्रेकफास्ट करवा के फिर चले जाती हूँ कॉलेज, फिर अच्छा। आके क्लास लेती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर अच्छा मम्मी को लंच वगैरह करवाती हूँ। अच्छा 1-2 घंटा जाती है? क्या 1-2 घंटा जाती है? तीन 3 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। तो स्टाफ अच्छा है वहाँ का? हाँ मुझसे बड़ा प्यार करते हैं सारे, अल्लाह का शुक्र हाँ है। मैम बड़ी सेटिस्फाइड है अच्छा। कि मेहनती बच्ची है। शादी के बाद कंटिन्यू रखना पड़ा तो आप रख लेना। उन्होंने रखने नहीं देना मम्मी। मुझे नहीं रोज करना ओहो, वो कहते हैं कि नहीं इसका सिर्फ एक ही काम है। पड़ेगा। भोपाल अभी फायदा रुकने की उन्होंने दावत की है ना, तो वहाँ पे बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा उन्होंने इतमाम किया है। कोई 10-12 डिशेज रखी हुई थी आसफा ने आगे। कुकिंग अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त है आपकी आसफा की, मैं तो उनकी फ़ैन हूँ कुकिंग की। तो कह रही थी विशाल को भी उन्होंने 500 दी है और 1000 आपकी आसफा ने दिया था, और उन्होंने ऐलान कर दिया था ये देखे बस उसका यही काम होना है, आके अपने हस्बैंड को देखेगी। नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारा कुछ है। मेरे छेड़ में रहना है कहती तो हमारे घर में नहीं है लड़कियों से काम करवाने का रवाज, मेरे भाई कते नहीं पसंद करते। फिर आप वो कंफर्म हो गई तो क्या मतलब वहां पे पंजाब मम्मी में। अभी शादी को है 1 साल, क्योंकि बड़े भाई ने आना तो होनी है ना, वो लॉकडाउन कोरोना की वजह से उनका लेट हो गया काम। चले चलो ये इसी पर। पलटी अब हाल में मैंने ये सोचा हुआ है ना कि फैजी को सेट करना है। अब फैजी इसीलिए तो को भी सेट कमेटी ही जान करना रहे है हैं। तो थोड़ा बाजी कह रही थी बाजी और मैं बात कह रही थी ना आपका सिर्फ एनवायरनमेंट का थोड़ा चेंज आ जाएगा मतलब घर से हट के ना। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है मम्मी, अब बड़ा चेंज आ रहा है, बस नहीं एक डिप्रेशन। एक रूटीन होती है ना उससे भी इंसान बोर हो जाता है। अब मैं बड़ी सही जगा रही हूँ, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। ये आप कह रही हैं ना कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है इनकी, अपने माइंड क्योंकि को अब कल सेट नसीब करो। आपको जगाने के आ था। ये हम रूटीन में भी 2:30-3 बजे सोते हैं, इनकी और मेरी टाइमिंग मैच ही नहीं है। मैं बड़ी फ्रेश रहती हूँ, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए इंसान को। बस अब्दुल सीधे से है, मेरी पसलियों में पसलियाँ ही घुसाई जाती हैं, ठा करके मेरा पटाखा बजा देता है सोई हुई का। दोपहर को भी मम्मी में रेस्ट करने के लिए आई ना, इस रूम में इस लड़के ने मुझे रेस्ट नहीं करने दी, रिमोट पकड़ के मेरे सर पे मार रहा था, मार रहा। मुझे भी बैग पड़ा मेरी बैग था बात करते थे बैग उस बेचारी की ना बस में नहीं है वो क्या करे। उसका दिल करता मैं हंगामा करूं अब हर कोई तो हंगामा नहीं ना कर सकता। इस दफा मैंने मामू को कोई नहीं थी ऑफर करानी नाचने का, मैं खुद ही सह कमी में नहीं है। वाह यहाँ जी पे वाह। माशाल्लाह जब से आई हैं ये नाचने मलाई बोटी खा रही हैं, पूछ लें ये मेरा मुझे बार बार फोर्स करते रहे हैं। कल पूरी फैमिली मैं दुनिया में आ गई हूँ यकीन माने, काश मुझे पहले पता थी। मैं कहा आप खाएं आपको नसीब हो।
हमने ये बड़ा क्यूट बना हुआ है, क्या मम्मी? ये छोटा सा पर्दा। मम्मी मैंने अपनी एक मैक्सी स्टिच की है, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा आपको पता मैंने कितने मिनट्स में की है? हाँ 20 मिनट्स में, और बिल्कुल आज के फैशन के मुताबिक है। मेरे माइंड में एकदम आया मैंने स्टिच कर ली। अच्छा तो कटिंग भी खुद ही करती है कि बाजी करती नहीं, है? कटिंग भी मैं खुद ही, अम्मी को नहीं कुछ करने देती मैं, इसलिए तो अम्मी का ये ड्राई हो गया है जख्म भी, अम्मी को नहीं हिलने देती। अम्मी आपको फ्रेश लगी है ना? अब इनकी डाइट भी बड़ी अच्छी हुई है, डाइट सही है और पतली हुई। हम सबकी डाइट ना ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का असल में ये है ना कि वो लाल मिर्च कम हुई है नमक लाल मिर्च नहीं, मिर्च सालन भी कम किया हुआ है। अच्छा किया सबसे है। बड़ी बात है मामी बाहर का खाना, या बल्कि जब से आप यहाँ आई हैं ये रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। फिर से नान चने शने आना शुरू हो गया, मलाई बोटियाँ छोटियाँ। और दूसरी बात यह है कि अम्मी को यूरिक एसिड का मसला, दालें भी बंद की हुई है, सिर्फ सब्जियाँ हाँ सही है। यूरिक एसिड भी सब्जियाँ। डाले बंद कर दे। चने और भी, वीक में एक दफा मामी मटन बनाते हैं छोटा चने वाला, चने भी इन्होंने बंद कर इसमें कर देते हैं क्योंकि वो भी दालों से रेलिवेंट है ना। शोरबा तो पी सकते हैं। मेरे हम भी शोरबा पी हाँ सकते शोरबा हैं। पी लेते हैं। सालन इनका कोशिश करो कम, जितना मैं खाती हूँ ना उतना कर मैं दो। तो सालन नहीं खा रही, मैंने छोड़ दिया हुआ है बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं खुद, और चावल तो बिल्कुल नहीं। हालांकि आप जिस दिन की आई हुई है ना, राइस भाई बना रही हूँ, इनको मेरे हाथ के बड़े पसंद है। तो कहती हैं आप ना, मैं इम्प्रेस हो रही हूँ तुमसे। मैं कही ये मेरी बॉडी है, मैंने इससे मोहब्बत करनी है। हाँ सास के बड़ी तुम शहर, ये माशाल्लाह बड़े राइस खाते हैं पूरी फैमिली। पक्का नहीं लगा था मुझे, लेकिन कुछ नहीं। खालिश मुझे इतनी हो रही है, मैं जाइना का भी देख, मैं ऊपर छत पे आके जा रही हूँ। है लेकिन ये है कि कच्ची है नीचे। अच्छी भी जो भी है ना निकालो मेरी, मुझे उलझन बड़ी होती है, मेरी खत्म ही नहीं हो रही जबकि हम लोग होके गए हैं ना। मम्मी का रोज सर में देखती हूँ, नहीं खत्म हो रही जी, मम्मी की वजह से मेरे सर में पड़ गई है। नहीं तो तो मेरा आप छोटा सा सारा है उसको ऊपर ऊपर से अब मैंने बाल लंबे करने हैं, एक मुसीबत है मुझे। ना करना, हम ना मैं करो, क्या करूँ, मेरे इन-लॉज की तरफ से हुक्म आया है बाल पागल लंबे होने चाहिए। वो तो मुझे ऑयल परचेज करके देने लगे हैं। प्यास पड़ती है, मैं लंबे बाल पसंद हैं। वो जो आपके वो फैंसी है ना उसको भी लंबे बाल पसंद होंगे इस वजह से। शानी कल बता रहा था, मुझे कह रहे थे वो जैसी भी है जिस तरह की भी है हमें बहुत अच्छी लगती है। आपने भाई अपने आप में सेट करो ना, दी टेंशन ना लो। डरा गया कहते हम, इसका बुखार नहीं मम्मी उतरा, टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब सुबह नहीं फिर इसने मुझसे चाय रस ली है, लेकिन इस तरह तो ये और वीक हो जाएगा। इसको मैं कलपती रही हूँ कि दूध पी लो, चाय रस ना खाओ, ये भी बस करते हैं। मैंने कहा अच्छा रोटी मैं बना देती हूँ। चेहरा से कब्ज होती है? हाय मम्मी कब्ज इतनी सख्त होती है, चावल केला। केले से नहीं होती आम ना, मम्मी केला मेरे लिए बड़ा जहर है। मुझे तो नहीं होती, मुझे अल्लाह राम करे इस है ही नहीं टाइम वैसे चावल कब्ज। केला ये चाहे वो रस बेकरी चाहे ब्राउन है, जो ब्राउन है या मर्जी है, वाइट है। जो मर्जी है, ये जहर है। यकीन माने चावल वाकई जहर है मेरी सब सजावा। अच्छा ग्रेप्स बड़े अच्छे हैं मामी फ्रूट्स में, ग्रेप्स और मैंगो। मैंगो तो मुझे बड़े पसंद है, मैंगो ग्रेप मुझे पहले नहीं थे पसंद है, अब मैं एज अ मेडिसन पसंद है मुझे। नहीं, इतना मजे का फल है। हमारे रोज सिर्फ इधर हमसाए में भाभी है अम्मी वगैरह के, वो मैंगो शौक से खाती नहीं है, सिर्फ शेक पी लेती है, वो कहती है मुझे पसंद ही नहीं। मैंने कहा पहला बंदा देखा, नहीं तो लोग चखते भी हैं लाजमी ये सीजन का फल। मामी मुझे भी नहीं मैंगो पसंद है,
भला क्या है, मैंगो खाने के फौरन बाद लेकिन में आपको नफरत तो नहीं है कि खाने नफरत की? नहीं मामी, मुझे ना बीपी शूट हो जाता है, अब बीपी नहीं शूट होता, शुक्र है। पहले मामी मेरी ना टांगे स्वेल होती थी, पाँव स्वेल होती थी, जान ही नहीं थी, एब्सेंट माइंड। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब कुछ ठीक है, अल्लाह नजर बस से बचाए। चलो अल्लाह ताला अब आपको पूरी ऐसे फैमिली करें। में एक्टिंग, मेरी बहन बेचारी ओदी, मैं क्या, ये तो टीचर है अब्दुल हसीब की, उस बेचारी ने उठा है और मामी हसीब के पीछे पीछे, हाँ मैं देख रही हूँ। और ऊपर से वो गालियां भी बड़ी निकालने लग गया है। चलो अल्लाह ताला उसकी बच्चे को वो बाकी सेहतमंद करे। बेचारी अच्छी कहते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो बेचारी अपने कपड़े समेट लेते, बड़ी बात है, वो भी नहीं समेट, इतना वो तंग करता है। इसका रूटीन पता है कैसे बननी है? वो सोया हो तो फिर ये काम कर सकती है ना। वो सोता भी नहीं ना है, हाँ वो माँ के साथ ही सोता है। बाजी कह रही दोपहर को 3-4 घंटे सोया कल। वो पता है कैसे सोया, कल उसकी पटाई हुई है, हाँ मुझे वो भी बताइए बाद में। अभी अम्मी ने ने इसकी काफी पटाई की है, तो फिर सोया था रो रो के। लेकिन मामी पटाई से बच्चा डीट होता है, सही है। इतनी पटाई नहीं अच्छी होती है, इस तरह उसने उसको मार रही थी ना, वो आगे से और गालियां निकाल रहा था। पक्का हो गया है ना। मुझे मुइज भी कह रहा था कि मामा कह रही हैं आप ही इसे समझाइए, उनकी हेल्प नहीं करती है, गिलास तक नहीं उठाती। ये समझाया तो नहीं था मैंने उसे बड़ा, नहीं आपकी बात जो टीचर्स भी होते हैं ना, टीचर्स के बाद ना बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं। टीचर ने ये कहा था, टीचर ने ये कहा। मम्मी वो ना वो बड़ी लगी है मुझे, उसने खुद भी कहा है क्या मॉडर्न जैसे नहीं उसका मॉडल टाइप, मतलब आजकल के कि बच्चों का आपको पता दिया, एक दूसरे के देखा देखी में बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ना। मैंने कहा तुम डाइट कह रही हो, डाइट वो बंदा करता है जो कि बहुत मोटा हो। आप तो बिल्कुल सही है, आपकी फिजीक है। पहले पिंपल्स निकले तो हुए वो हैं, सुबह नाश्ता ना करने की वजह से इस मैदा मजे खालियत की है। बात सुनो, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ मैथ का, तो क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए मुझे भला ये कहती है आप ही, आपके मुंह पे मैंने एक भी नहीं पिंपल देखा, क्या करती हूँ मैं, तो ठहर दूँ जरा। इसकी स्किन साफ थी, इसने या तो मेकअप यूज किया है। पता है बच्चे शादियों पे नया नया और मेकअप इसका ना प्रोडक्ट्स दिल करता है वो महंगी महंगी जो ब्रांड की चीजें हैं। आती हैं, हाँ अब कल वो मेरा बैग बड़ा होता ना ब्लैक, मुझे बार बार गया भी बड़ा अच्छा, मैंने दिया तो बड़ी खुश हो गई, अच्छा मैं कहा तुम बैग चाहे ले लो सारे, लेकिन मेरी अच्छा बहन खुदा का वास्ता है सही हो जाओ और वो मीज वो सही है पढ़ाई में। ना। लेकिन ये अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे बड़ा दुख हुआ है, ऐसे लिटरली मुझे बड़ा दुख हुआ है, ना मदर की करते हैं ना फादर की। मैंने पूछा ना, मैंने कहा भाई का क्या हाल है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया मैंने। आपसे भी अभी मैंने मालिश करवानी है। बाजी ये है, इधर देखिए। सब आपका साल है, मुझे मालिश ही होती है फिर, मुझे ये नहीं। वो मेरी काम वाली कहती है बाजी वाइट बालों की वजह से आपको होती है। वाइट बाल है ना अंदर। आपके वाइट बाल क्यों है, ये आपको पता दिमाग की कमजोरी की अलामत होती है, तो बुढ़ापा भी तो आ जाता है ना। माशाल्लाह इस उम्र में बड़ा पा हो गया है। मेरे तो 3 साल हो गए, आगे 2 साल आगे तो मुझे सुना बता रही थी उसने, वो कह रही है आगे तो सारे तुम्हारे आए हैं। अपने मामू को नहीं देख रही? कहाँ नहीं माशाल्लाह काफी बेहतरी आ गई है मामी, उसने रोजी में काफी बेहतरी, ओबीडेंट भी हो गई है, कहना मानती है, ब्रेकफास्ट भी करके आती है। हाँ अच्छा जी
नहीं, मेरा तो एहतराम बहुत ज्यादा करती है। वो ना मूडी है, बात करे ना किसी से स्टाफ की, वो तो बहुत करती है, नहीं करती तो नहीं करती। नहीं, माशाल्लाह ना हाँ काफी मेरे इम्प्रूवमेंट साथ आ रही है। भी फ्री बड़ी है। मू इज बहुत, वैसे मू इज बहुत नाइस मे बी है, ही इज वेरी नाइस पर्सन। ये भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये खामोश गो है, चुप रहती है। हाँ, कम गुम। और ना बात वैसे भी कर लेती है। हाँ नहीं उसका, मेरी बात सुनो, जो बंदा वो फैशन में इंटरेस्ट ले सकता है ना, उसका दूसरी चीज में भी हो सकता है, बिल्कुल डल माइंड नहीं घर है। का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है ऐसे मम्मी, ही बच्चे का वो का सुन नहीं, घर का एनवायरनमेंट। फोर्टीन अगस्त को आप कहीं गए थे मामी? बस यार मेरे सर आप देख सकते हैं।